और इस बीच आपको सीधे चंदौली लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और कई सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। फिलहाल मंच पर मौजूद हैं, चाबी यहां पर वितरित करते हुए। मंच की ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से मंच को भव्य रूप फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया हुआ है और उत्साह जो है। और अब सीएम योगी का संबोधन। चंदौली के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार के बड़े सहयोगी मंत्री, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीनानाथ शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री कैलाश खरवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मुंडू सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहां पर उपस्थित जनपद चंदौली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महान सिद्ध संत बाबा कीनाराम की इस धरती को नमन करते हुए मैं चंदौली जनपद के आप सभी भाइयों बहनों को 6 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विगत 6 माह में मैंने 3 बार यहां आने का प्रयास किया, किसी बार बारिश के कारण और कभी किसी अन्य कारणों से कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था। अंततः आज अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए भी चंदौली जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान इस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली और इसीलिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो बाबा कीनाराम के ही नाम पर जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम को हम
लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां पर आरोग्यता के साथ साथ विरासत का सम्मान भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और जब मार्च 2023 में जनपद चंदौली का मेडिकल कॉलेज बनेगा तो भाइयों बहनों, चंदौली के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा के साथ साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा के लिए बीएचयू और अन्य संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि चंदौली में ये सुविधा चंदौली वासियों को, बिहार वासियों को प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5.5 वर्ष के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8.5 वर्षों के अंदर चंदौली ने विकास की नित नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। आज यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो या फिर आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कोई कार्यक्रम, हरेक में चंदौली एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आकांक्षात्मक जनपद को सामान्य विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के क्रम में भी चंदौली ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्माण किया है। और आज आकांक्षात्मक जनपद से एक सामान्य जनपद के रूप में चंदौली की इस पहचान ने भारत सरकार के नीति आयोग से कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये सामान्य नागरिक से जुड़े हुए चैलेंजेस भी शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जल संसाधन और कृषि से, रोजगार और स्किल मिशन से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, अकेले चंदौली जनपद में कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े मार्गों का कार्य प्रारंभ हो रहा है, आईटीआई बन रही है और विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा यह जनपद अब इसराइल की मदद से इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल यानी सब्जी उत्पादन का भी उत्तम केंद्र बन सके। आज ही में बलिया में इससे पहले बलिया के कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की जाती है उसे दुनिया के बाजार में पहुंचाने के कार्यक्रम को एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर के माध्यम से उसको फ्लैग ऑफ करने का कार्यक्रम मुझे बलिया में करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ के एफपीओज के माध्यम से भी हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हो और दुनिया के बाजार में छा जाए, इस प्रकार की व्यवस्था चंदौली के किसानों के माध्यम से अब करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, यहां पर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मार्केट की भी स्वीकृति दी गई है और जिसके अंतर्गत लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मार्केट डेवलप किया जा रहा है जो मत्स्य उत्पादन में यहां के प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मॉडल आईटीआई का निर्माण भी प्रदेश के अंदर जिन 5 जनपदों में हो रहा है उनमें से चंदौली एक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,44,000 से भी किसानों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। और प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए काला धान जिसमें 2100 हेक्टेयर में 2400 किसानों के द्वारा यह उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। मैंने भी अपनी आंखों से इसे देखा है। किसान प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के एक नवाचार की दिशा में आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है, राजस्तरीय और देवस्तरीय के विकास का, पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य है, किसान अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी तेजी के साथ हो रहा है। और साथ साथ आम
जीवन में भी परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 23,990 आवास अकेले चंदौली जनपद के लिए स्वीकृत हुई है। 4,662 आवास चंदौली जनपद के शहरीकरण के लिए अतिरिक्त स्वीकृत हुए और मुसहर जाति के लोगों के लिए जो वनवासी थे उनके लिए भी 2,851 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करके योजनाओं का लाभ यहां पर उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3,03,384 गोल्डन कार्ड अब तक वितरित किए जा चुके हैं, तो एलपीजी कनेक्शन में उज्ज्वला योजना में 1,91,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन का लाभ भी आपके जनपद में प्राप्त हुआ है। मुझे देखकर के आनंद की अनुभूति हुई। हम महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनती है अपनी घर गृहस्थी को कुशलतापूर्वक संचालन करने के साथ ही परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाली माताएं बहनों के स्वावलंबन के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी भूमिका हो सकती है। और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अकेले इस जनपद में 10,356 ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए समूहों ने 13,916 परिवारों को भी प्रदेश के स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। भाइयों बहनों, ये ढेर सारे कार्यक्रम हैं जिन्हें हमें समाज के सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। और तो साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भी यहां पर 21,835 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,322 लाभार्थियों को इस योजना से यहां पर लाभान्वित किया गया है। तो युवाओं के लिए भी 12,065 विद्यार्थियों को अकेले चंदौली जनपद में स्मार्टफोन की सुविधा से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है। आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान देश का सबसे प्रतिभाशाली और ऊर्जावान नौजवान है। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम बन सके और दुनिया के बाजार में छा सके, दुनिया के वैश्विक मंच पर छा सके, इस दृष्टि से हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अपना स्मार्टफोन देने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। और मुझे प्रसन्नता है 12,000 से अधिक नौजवानों को अब तक यहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। आज देश बदल रहा है। वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप याद करिए, जब देश आजाद हो रहा था उस समय देश के अंदर जिस प्रकार की अव्यवस्था पैदा की थी कुछ लोगों ने, हो सकता उस समय भारत के आन मान शान को हर व्यक्ति ने गौरव के साथ बहराते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इस समय टेलीविजन नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, जब आजादी का 75वां वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने देखा है, तब लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराते हुए देखा है और भारत के हर घर में भी भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम की भव्यता इसी से झलकती है। और आजादी के अमृत महोत्सव में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व है कि जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके
पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में भी अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हो रहा है और उस दिशा में आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। विकास यही जीवन में परिवर्तन ला सकता है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दे रहा है। वे जीवन के किसी भी क्षेत्र के हो, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सभी मंत्रों को अंगीकार करते हुए ही हम सर्वांगीण विकास की, राम राज्य की उस अवधारणा को साकार करने में सफल हो पाएंगे। और इस दिशा में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे आह्वान होगा, आप सब हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जो कार्य योजनाएं जनपदों के लिए बन रही है, इन योजनाओं में आप सब सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं चंदौली वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि चंदौली विकास की इस प्रक्रिया को निरंतरता बनाए रखेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो चंदौली को सीएम योगी की ये बड़ी सौगात, तो साथ ही साथ चंदौली की पहचान किससे है ये भी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिक्र किया गया। तो जनपद वासियों को सौगात दी, तो इस दौरान उन्होंने बाल विकास और पुष्टाहार द्वारा बच्चों का अन्न प्राशन भी किया, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो लाभार्थियों को यहाँ पर स्वीकृति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। जो लाभार्थी थे वो भी काफी यहाँ पर उत्साहित दिखाई दिए। तो ये फिलहाल तस्वीर दो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां अन्नप्राशन यहां पर उनकी तरफ से किया गया, तो दूसरी तरफ लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चाबियां सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। तो उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तो इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में विकास कार्यो की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी यहां पर उन्होंने की। तो तमाम पहलुओं पर अपने संबोधन में जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, 6 महीने में 3 बार चंदौली आने की कोशिश की, तो ये संबोधन की वो बड़ी बातें, किसी वजह से चंदौली नहीं आ सका, तो ये कहीं ना कहीं युगमान न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो रहा, उस बात का जिक्र भी वो यहां पर करते आए। तो चंदौली के युवाओं को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जो रूपरेखा है वो लगातार उसके तहत हर एक जिले का विकास किया जा रहा है। तो चंदौली दौरे के दौरान की 3 तस्वीरें भी आपने देखी, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और अब कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है लापरवाही पर सीएमओ सुरेश पटारिया की कार्रवाई। तो लापरवाही के चलते कर्मचारी बर्खास्त, 2 अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। कर्मचारियों की लापरवाही से गुस्सा था कुत्ता, प्रसव कक्ष में कुत्ते के जाने का फोटो हुआ था वायरल। तो ये बड़ी जानकारी, लापरवाही के चलते कर्मचारी बर्खास्त, तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जिस तरह से अस्पताल में कुत्ते का वीडियो वायरल हुआ था, और आज भी एक फोटो जो है वो सामने आई थी जिसमें कुत्ते के मुंह में कुछ दबा हुआ था, अब जो लापरवाही बरती गई है उसमें कार्रवाई हुई है। तो प्रसव कक्ष में कुत्ते के घुसने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, न्यूज स्टेट पर हमने आपको प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, और अब खबर का असर भी हुआ है। लापरवाही पर सीएमओ सुरेश पटारिया की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। और अब उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां एचएमए ग्रुप के मालिक जुल्फीकार पर कार्रवाई। तो जुल्फीकार अहमद पर आईटी का कस्ता जा रहा है शिकंजा, स्लॉटर हाउस का डिप्टी चेयरमैन शोएब फरार। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्लॉटर हाउस के चेयरमैन समेत अन्य अधिकारी भी फरार बताए जा रहे, प्रबंधन के लोग जांच में नहीं कर रहे सपोर्ट। एचएमए ग्रुप के एओबी स्लॉटर हाउस में छापेमारी जारी है, स्लॉटर हाउस में 24 घंटे से छापेमारी चल रही है। तो आईटी विभाग के 20 से ज्यादा अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं, दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित है स्लॉटर हाउस। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से, प्रबंधन के लोग अब जांच में जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
तो एचएमए ग्रुप के एओवी स्लॉटर हाउस में लगातार यहां पर जारी है, जो स्लॉटरिंग है उसको भी यहां पर बंद कर दिया गया है। मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ 24 घंटे से लगातार ये छापेमार कार्रवाई यहां पर चल रही है। दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है।